Okay, Kainat, you can start now. ओके सिद्रा, Okay. सो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस, दैट व्हाट इज दिस टेंस अबाउट एंड हाउ वी फॉर्म दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द टेंस नेम, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद द वर्ड प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स दैट द सेंटेंस और एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस इज इन इट इज कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो अभी टाइम चल रहा है इसमें ये काम हो रहा है. ठीक है, देन द वर्ड कम्स परफेक्ट. परफेक्ट वर्ड शोज एनी एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड, विच वॉज कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट इट वॉज देन कंप्लीटेड. एंड आफ्टर दैट द वर्ड कम्स कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स के अगेन द सेम थिंग, के जैसे मैंने आपको परफेक्ट में बताया कि एक एक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा और उसके बाद वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, सो दिस वॉज द डेफिनेशन एंड वी कैन रीड इट फ्रॉम द स्लाइड एज वेल. दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. लाइक कोई ऐसा एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ पास्ट में और वो अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम तक वो कंटिन्यू रहा लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, जैसे कि वो 4 घंटे से टीवी देखते रहे हैं. ठीक है, तो ये टेंस हमें ये शो कर रहा है कि ये काम काफी टाइम से स्टार्ट हुआ हुआ है और अभी तक ये थोड़े टाइम पहले तक होता रहा है. इसके अलावा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें आपको एक चीज माइंड में रखनी होती है कि उसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है. जैसे कि कंटिन्यूअस को अगर हम डिस्कस करें तो हम उसमें कहते हैं बच्चा रो रहा है या टीवी देख रहे हैं, तो बस इतनी सी किसी एक्शन के कंटिन्यू होने को वो शो करता है. लेकिन अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें टाइम पीरियड जरूर मेंशन होता है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि वो 4 घंटे से टीवी देखते रहे हैं, तो 4 घंटे से लाइक मैंने एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कि इतने टाइम से वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो टाइम पीरियड होना भी इसमें एक तरह से जरूरी है. नाउ विल मूव टू द स्ट्रक्चर के हम लोग इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का. स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली जस्ट लाइक द अदर्स वी विल हैव द सब्जेक्ट एट द फर्स्ट, देन वी विल मूव टू द हेल्पिंग वर्ब, कि हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है. तो हम लोग अब दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को मिक्स करेंगे जो कि हमने पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए थे और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए थे. सो इसमें बेसिकली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैज बीन एंड हैव बीन, दीज टू हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन दिस. सो द हेल्पिंग वर्ब विल बी हैज बीन एंड हैव बीन एंड आफ्टर दैट कम्स द वर्ब. सो वर्ब की हम इसमें जैसे कंटिन्यूअस के हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं हमने उन सब में देखा है कि हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं. सो लेट्स डिस्कस के वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी है. तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing की एडिशन करते हैं एंड वी गेट द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. लाइक इफ वी एड ing एट द एंड ऑफ गो, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसके साथ अगर हम ing के एडिशन करते हैं सो इट बिकम्स गोइंग, विच वी कॉल द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. और उसके बाद फिर हम अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम अपना टाइम पीरियड मेंशन कर देते हैं जो भी हमारे पास टाइम पीरियड होता है. सो सीता, कैन यू प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड.
Sidra, can you please share the next slide? अब हम इसकी उर्दू में पहचान भी थोड़ी सी देख लेते हैं। उर्दू फिकरात के आहर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और हमें पता है ता, ती, ते, ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये कंटिन्यूअस की है, ठीक है। तो बाकी हमने इसमें टाइम पीरियड ही इसके अलावा ऐड करना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे हैज बीन एंड हैव बीन। जस्ट लाइक द अदर टेंसेज हैज बीन, यू नो कि हमने ही शी इट एंड किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज बीन यूज करेंगे। And if we have a plural subject like I, we, they, you, and any plural, so we will use have been with it. ठीक है, तो I, we, they, you या फिर have been के साथ हम लोग plural के साथ हम लोग have been को use करेंगे, ठीक है। So this will be the structure. Sita, please share the next slide. Yes, structure again structure we have read it के subject है plus has or have been plus verb की first form plus ing and object, ठीक है। तो subject और auxiliary verb they took from present tense, base form plus of verb plus ing, ठीक है। These are the essentials for the structure of positive sentences, ठीक है। Siddha, please share the next slide. Yes, now we will discuss some examples. First example we have, I have been walking on the path for 2 years. ठीक है, I just like I told you before के I, we, they, you we will use have been with them. ठीक है, I, we, they, you के साथ हम लोग have been को use करते हैं. Next है हमारे पास verb की first form plus ing. So walk was the first form, we added ing. So I have been walking on the path for 2 years. At the end we mentioned the time period. 2 years is a time period. Okay, so where we have to use for and since. ये हम दोनों वर्ड यूज करते हैं टाइम पीरियड के साथ अगर हमारे पास टाइम पीरियड डेफिनेट होगा. लाइक इफ आई से मैं मंडे से स्कूल जा रही हूँ, मंडे इज अ डेफिनेट डे, आई नो एग्जैक्टली व्हेन द मंडे वाज. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ मैं 4 अक्टूबर से स्कूल जा रही हूँ, या फिर मैं कहती हूँ कि मैं 3 बजे से टीवी देख रही हूँ, सो इट इज़ अ डेफिनेट टाइम. तो इसके साथ मैं सिंस यूज करूँगी जब मेरे पास टाइम जो है वो डिफाइंड होगा. लेकिन अगर एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि डिफाइंड नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ मैं 4 घंटे से टीवी देख रही हूँ, मैं 15 दिन से स्कूल जा रही हूँ जाती रही हूँ, ठीक है, और वो 6 घंटे से खेल रहे हैं, तो इन सारे वर्ड्स के साथ जो है हम फॉर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है. एज वी कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस 8 PM. ठीक है, कि हम 8 बजे से म्यूजिक सुनते रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास टाइम पीरियड डिफाइंड था कि 8 बजे से, तो इस वजह से हमने इसमें सिंस यूज किया है. और अगेन वी के साथ हम लोग हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट फॉर एन और. ठीक है, वो 1 घंटे से अपनी फ्लाइट का इंतजार करते रहे हैं. तो दे के साथ हम हैव बीन यूज करेंगे, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर देयर फ्लाइट एंड फॉर एन और. 1 घंटा भी डिफाइंड नहीं है कि वो घंटा कौन सा था, 4 से 5 था, 3 से 4 था, टाइम इज नॉट डिफाइंड, सो वील यूज फॉर विद इट. ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स यू कैन, इट हैज बीन क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर सिंस 2 PM. अगेन वी कैन सी द टाइम पीरियड वॉज डिफाइंड, सो वी यूज सिंस विद इट. दिस टेंस इज मेनली यूज टू हाईलाइट द टाइम पीरियड ऑफ द एक्शन दैट इज हैपनिंग. इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू के टाइम पीरियड हम कोई भी काम जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता रहा है, ये टेंस एक्चुअली उसी को शो कर रहा है. सो इसीलिए हमने हर सेंटेंस के एंड पे टाइम पीरियड मेंशन किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स. ठीक है, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा.
अगेन वी हैड ही, सो ही के साथ हम लोग हैज बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. आई कांट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वर्ड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. शी हैज बीन द फ्लोर. ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ वी विल मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. इन द नेगेटिव सेंटेंसेस वी जस्ट हैव टू ऐड नॉट बिटवीन हैज बीन एंड हैव बीन. ओके, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन. दिस वुड बी द एडिशन इन द नेगेटिव सेंटेंसेज. एंड देन वी ऐड द वर्ब प्लस आई एन जी. सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी. लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट स्लाइड. यस, जूलिया हैज नॉट बीन मेकिंग अ स्पंज केक. ठीक है, जूलिया एक स्पंज केक नहीं बनाती रही है. ठीक है, सो इन दिस वी कैन सी डेट हैज नॉट बीन, हैज बीन हमारे हेल्पिंग वर्ब के दरम्यान हमने नॉट की एडिशन कर दी है. ठीक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ही हैज नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक फॉर 2 hours. अब वी कैन ऐड द टाइम पीरियड एट द एंड फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से अपनी पसंदीदा किताब नहीं पढ़ता रहा है. तो इसमें हम लोग हैज नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक. नेक्स्ट, शी हैज नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से पौधे नहीं लगाती रही है. दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से पढ़ते नहीं रहे हैं. आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग. मैं सफर नहीं करता रहा हूँ. ठीक है, तो 1 साल से या 2 साल से हम ये भी मैंशन कर सकते हैं. फॉर 2 years, फॉर 1 year. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है. बेसिकली यू हैव टू सी इट इज जस्ट लाइक द सिंपल सेंटेंसेस, बट वी जस्ट हैव टू ऐड नॉट बिटवीन हैज बीन एंड हैव बीन. इट वुड बी हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन. लेट्स मूव टू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ वी विल डिवाइड द हेल्पिंग वर्ब्स. वी विल मूव द हैज और हैव टू द स्टार्ट, देन द सब्जेक्ट, एंड देन वी विल ऐड बीन. एज यू कैन सी हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ओके, सो इसमें हम लोग हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन कर रहे थे नेगेटिव में. अब हम हैज को स्टार्ट में ले जाएंगे एंड देन द सब्जेक्ट एंड देन बीन. सो इट इज इजिएस्ट इफ यू हैव डन द प्रीवियस टेंसेस केयरफुली एंड अटेंटिवली, देन इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू. Examples of question sentences. इसमें हमारे पास हम सबसे first example read करते हैं. Has he been studying since morning? क्या वो सुबह से पढ़ाई करता रहा है? ठीक है, so has, अब हम देख रहे हैं कि he हमारा subject है. Has उससे पहले आ गया and been after that. So has he been studying since morning? Okay. Has she been planting for 2 hours? Have they been traveling for 2 hours? Have start में आ गया, then our subject, then been. Has the farmer been ploughing the fields? Has he been smoking since 2011? So I guess it must be clear to you that how we have to put has at the start, then the subject, and then been. So here's your assignment. In your assignment, you have to translate these sentences into English. आपने इन सारे sentences को present perfect continuous tense के accordingly English में translate करना है. ठीक है, and then आपको ये group में share करना है, क्योंकि आपकी यही assignments कुछ बच्चों की रहती हैं, so that they were not able to attend the class, so they didn't got the assignments. So submit your assignment, complete it, and submit it as soon as possible. So share the next slide. What do we have on that? I guess we have hamare paas usme kuch English sentences hai jinko aapne Urdu mein translate karna tha. Next slide, slide number 11. Yes.
ये सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी, आपने इन सबको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, और इस सब में वर्ब आपको बता दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब यू ऑलरेडी नो हैज बीन एंड हैव बीन, ठीक है? और वर्ब जो आपको बताया गया है, यू नो दैट यू हैव टू ऐड ING विद इट. सो दैट्स इट फॉर द टूडेज लेक्चर. तो आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें एंड सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. ना अगर आपने इनसे कोई प्रैक्टिस करानी है तो करवा लो, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, मैंने सीधा सीधा आई गेस कि मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करवा देती हूँ ना. माइक. अच्छा चलो ठीक है फिर. नेक्स्ट लेक्चर की स्लाइड शेयर करो, फिर मैं वो स्टार्ट करती हूँ. इसको क्लोज करो और दोबारा से स्टार्ट करो. आई होप सो सबने ठीक है ना. आई एम